अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। स्टोकेस्टिक प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले आपको स्टैट कुछ बेसिक डेफिनेशंस का आना लाजमी है, जिसमें व्हाट इज़ सैंपल स्पेस, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज़ रैंडम वेरिएबल्स, व्हाट इज़ वेरिएंस, व्हाट इज़ कोवेरिएंस। आप उनको पहले रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस या स्टोकेस्टिक मॉडल क्या होता है, इसका और भी डिफरेंट नेम है। यहाँ पे हमने जो मैक्सिमम नेम यूज़ किया है स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, वो रैंडम प्रोसेस है। आप स्टोकेस्टिक भी बोल सकते हैं, रैंडम भी बोल सकते हैं। रैंडम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस करना होता है। डेफिनेशन है, अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज़ अ फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। इसके अंदर हमने सिर्फ रैंडम वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। रैंडम वेरिएबल्स कहाँ से आते हैं? रैंडम वेरिएबल्स सैम्पल स्पेस से आते हैं। तो इट मीन्स दैट कि हम कह सकते हैं कि जो स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास रैंडम वेरिएबल भी होंगे, और रैंडम वेरिएबल कहाँ से आते हैं? सैम्पल स्पेस से आते हैं। तो उस इस बिहाफ पे हम इसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस इज़ अ रियल फंक्शन ऑफ टू आर्गूमेंट्स टी एंड डब्ल्यू। एक्स ऑफ टी जो है रैंडम वेरिएबल है, और डब्ल्यू जो है ये हमने सैंपल स्पेस से लिया है। तो इट मीन दैट आप कह सकते हैं कि रैंडम प्रोसेस के अंदर हमने किसको लिया है? रैंडम वेरिएबल को लिया है, और हमने सैंपल स्पेस को लिया है। इन दो आर्गुमेंट्स को लेके हमने काम करना है, और इन्हीं दो आर्गुमेंट्स के ऊपर जितनी भी डेफिनेशन अप्लाई होती हैं उनको हमने फाइंड आउट करना होगा। किस प्रोसेस में? स्टोकेस्टिक प्रोसेस में। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने लिखा है ना एक्स ऑफ टी। ये जो टी है ये पैरामीटर ऑफ टाइम है, या इसको आप सिंपल टाइम भी कह सकते हैं। मैंने लिखा है टी जो है बिलोंग करता है कैपिटल टी से। कैपिटल टी जो है रियल नंबर्स से बिलोंग करेगा, इसको हम पैरामीटर सेट का नाम देते हैं। ये जो कैपिटल टी है, एक्स ऑफ टी, टी क्या है? हमारे पास टाइम है। टाइम के लिहाज से ये हमारे पास फंक्शन है। ये टी किसे बिलोंग करता है? कैपिटल टी, यानी इसको हमने बोला पैरामीटर सेट का नाम देते हैं। अब ये जो एक्स ऑफ टी, ये जो फंक्शंस हैं या ये जो वेरिएबल्स हैं जो टाइम के लिहाज से होंगे, ये कहाँ से आते हैं? ये एक सेट से बिलोंग करते हैं। उस सेट को आप एस का नाम दे दें फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम बोलते हैं सैम्पल सेट, सैम्पल सेट का नाम देते हैं। जैसे सैम्पल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस का जो सेट बनता है सैंपल सेट कहलाता है। उसमें से जितने भी हम वेरिएबल्स लेते हैं, रैंडम वेरिएबल्स, उनको हम एक्स ऑफ टी से लिखते हैं। टी इसके अंदर क्या होता है? टाइम पैरामीटर होता है। ठीक हो गया जी, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। हम आगे मूव करते हैं कि इसकी करेक्टराइजेशंस क्या हैं, मतलब इस प्रोसीजर के अंदर, स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है ये है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का। हमने लिखा है कि अगर वो फर्स्ट ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो उसका फार्मूला ये है। टू के लिए है तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जनरल का ही लिख दिया डायरेक्ट। आपने टू के लिए करना है तो आप एन को टू पुट कर दें, एन को तीन है तो एन को थ्री पुट कर दें, फोर है तो फोर पुट कर दें। ये क्या है? हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, उनके फार्मूला ये हमने यूज़ करना है। मीन और वेरियंस के लिए हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? अगर आपने स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर मीन को फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये है आपके पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, ये आपके पास रैंडम वेरिएबल होगा, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ले लें। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने का फार्मूला क्या है कि इंटेग्रेशन ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स ऑफ टी डी एक्स। ये हमारे पास क्या होगा कि इस ये जो रैंडम वेरिएबल की अपर लिमिट और लोअर लिमिट का कॉमन डिफरेंस की डिवीजन है, का रेसिप्रोकल है। तो हमने मीन का फार्मूला देखा है, अब हम देखते हैं कोवेरियंस का फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे सेम एज हमारे पास ये कोवेरियंस का फार्मूला है। यहाँ पे ये देख लेंगे आप, ये अगर कोवेरियंस को आपने स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर यूज़ करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला ये है। सेम एज अगर आपने ऑटो कोरिलेशन को स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर आपने फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला ये है। ये जितने भी मैं आपको फार्मूलाज बता रहा हूँ ये सारे स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर फाइंड आउट करने के लिए हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि फाइंड सी डी एफ, फाइंड कोरिलेशन, फाइंड वेरियंस, फाइंड कोवेरियंस इन रैंडम प्रोसेस, इन स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो आपने यही फार्मूलाज यूज़ करके आपने वो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है।
इसी तरह ऑटो कोवेरियंस का फार्मूला ये है हमारे पास, नॉर्मलाइज ऑटो कोवेरियंस का फार्मूला ये है। ये वो हमारे पास कैरेक्टराइजेशन हैं जो कि हमने यूज़ करनी है अपना स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर, और इन्हीं को ही हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी दो क्लासिफिकेशन हैं, एक स्टेशनरी प्रोसेस है और दूसरा है वाइड सेंस स्टेशनरी, एक WSSS है और दूसरा है SSS। ठीक है जी, अब क्वेश्चन जब आपने सॉल्व करना है, अगर कंडीशन गिवन होगी तो देन उसके अंदर आपने SSS के थ्रू करना है तो हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करना है, अगर WSS है तो हमने ये प्रोसेस यूज़ करना है। इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? हम पहले SSS देख लेते हैं। आ रैंडम प्रोसेस इज स्टेशनरी आर स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी, इसको आप सिर्फ स्टेशनरी बोल सकते हैं या SSS भी बोल सकते हैं। इफ़ इस स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज बाई टाइम, मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास f(x)x4t है, ये इक्वल हो टी प्लस डेल्टा के, मतलब टी में हमने टाइम में चेंज किया है तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। टाइम में चेंज करने के बाद भी आपकी जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ हैं अगर उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपने SSS को यूज़ करना है। और अगर आपके पास कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास है मेन फंक्शन और ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा शिफ्ट टाइम लगाने के बाद, देन आपने WSS यूज़ करना है। अ रैंडम प्रोसेस इज कॉल्ड वीक सेंस स्टेशनरी और वाइड सेंस स्टेशनरी इफ इट्स मेन फंक्शन एंड इट्स ऑटो कोरिलेशन, यहाँ पे सिर्फ मेन फंक्शन है एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है, डू नॉट चेंज बाई टाइम, सॉरी शिफ्ट इन टाइम। तो इसका उन्होंने फार्मूला भी दिया हुआ है, ये हमारे पास मेन फंक्शन का है और ये ऑटो कोवेरियंस फंक्शन का है। इसको हम रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करते हुए आप ये देखेंगे कि शिफ्ट अपना स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस इज अ फंक्शन बेस कर रहा है दो चीज़ों के ऊपर, रैंडम वेरिएबल के ऊपर और सैंपल स्पेस के ऊपर। XFT जो है, XFT के अंदर हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, टी जो है टाइम पैरामीटर से निकला गया है, और XFT जो रैंडम वेरिएबल हमने लिया है ये हम सैंपल सेट के अंदर से लेंगे। इसके क्वेश्चन किस शेप में हो सकते हैं कि फाइंड कोवेरियंस, फाइंड वेरियंस, फाइंड ऑटो कोवेरियंस, फाइंड नॉर्मलाइज ऑटो कोवेरियंस इन स्टोकेस्टिक प्रोसेस, इन रैंडम प्रोसेस, देन आपने इनके बिहाफ पे जो फार्मूलाज हैं आपने उनको लेके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन के अंदर वो देता है आपको एक्स एन की वैल्यू देता है और अपर लिमिट लोअर लिमिट दे रहा है, तो वो तीन चीज़ें मालूम करने को कह रहा है कि मेन फंक्शन मालूम करें, ऑटो कोरिलेशन मालूम करें, ऑटो कोवेरियंस मालूम करें। तो ये देखिए हमने वही फार्मूलाज अप्लाई किए हैं और हमने ये तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी शेप में हो सकते हैं।